पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है। लगातार इस जानलेवा वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में इस वायरस के 7,486 मामले दर्ज हुए हैं। ये पहली बार है जब एक ही दिन में कोरोना वायरस के 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ भारत में अब कुल मरीजों की संख्या 1,65,799 हो गई है। वहीं बात करें इस वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की, तो 24 घंटे के दौरान 175 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 4,706 पर पहुंच गया है। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात काफी खराब है। मामलों की संख्या 57,000 से ज्यादा हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 1982 पर पहुंच चुका है। देश में कोरोना को मात देकर घर लौटने वालों का आंकड़ा 71,000 पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में ही 3,414 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। न्यूज़ डेस्क।